नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूरल 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दीजिए खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाया जा रहा है सर्वाइकल कैंसर का जागरूकता अभियान। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया जागरूकता कार्यक्रम। कार्यक्रम के माध्यम से नर्सिंग स्कूल फिरोजाबाद के छात्राओं व महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर व PCPNDT अधिनियम कानून के लिए किया जागरूक। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं नालसा स्कीम 2023 से 2024 के अनुपालन में हरवीर सिंह जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फिरोजाबाद के कुशल मार्गदर्शन में आज फिरोजाबाद स्कूल ऑफ नर्सिंग पर सर्वाइकल कैंसर व PCPNDT अधिनियम विषय पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्राधिकरण के सचिव द्वारा उपस्थित महिलाओं छात्राओं को PCPNDT अधिनियम के बारे में समझाया गया, तो वहीं डॉक्टर GC पालीवाल द्वारा सर्वाइकल कैंसर के बारे में कार्यक्रम में उपस्थिति जो छात्राओं की थी उनको संपूर्ण जानकारी दी गई। बचाव के उपाय भी बताए गए। बताया कि कैंसर में आपके शरीर की कोशिकाएं असामान्य और अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं। कैंसर को हमेशा शरीर से उस अंग के नाम से जाना जाता है जहां कैंसर शुरू होता है। इसीलिए जब कैंसर आपके गर्भाशय ग्रीवा में शुरू होता है तो उसे गर्भाशय ग्रीवा कैंसर या सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। इस कैंसर को जो जोखिम में बढ़ाता है वह ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। सर्वाइकल कैंसर की शुरुआती दौर में कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे ये गंभीर होने लगता है इसके लक्षण दिखने लगते हैं। अपने लक्षण दिखने पर सर्वाइकल कैंसर की पहचान करके डॉक्टर से परामर्श करें। विस्तार से सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर तमाम लोग उपस्थित रहे। यहाँ पे स्वच्छता के बारे में बताया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बताया गया। बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत कुछ मिलेगा बेनिफिट, अच्छे समझाया गया सब कुछ, बहुत बढ़िया। हाँ, भाग लेंगे। आज कार्यक्रम रखा गया था, इसमें सर्वाइकल कैंसर के बारे में ये मेडिकल स्टूडेंट नर्सों की छात्राओं को बताया गया कि उसके क्या प्रभाव होते हैं, कैसे होने के चांस ज़्यादा हैं, किस तरह से रोका जा सकता है, ये सब चीज़ें दी गई। उनको बताया गया कि अगर 9 से 15 साल के बीच में बच्चियों के HPV का वैक्सीनेशन करा दिया जाए तो ये सर्वाइकल कैंसर होने के चांस नहीं बहुत कम हो जाते हैं। तो और 30 साल से ऊपर की महिलाएं 5 साल में एक बार अपना स्क्रीनिंग कराएं, जिससे कि यदि शुरू हो रहा होगा सर्वाइकल कैंसर की प्रारंभिक स्थिति होगी उसमें पता लग जाएगा और वो आसानी से मैनेज हो जाएगा, उसमें वो सुरक्षित रहेगी। इसी तरह की जो है विकलांगता या मृत्यु के चांस नहीं होंगे। ये बचाव के उपाय बताए गए, इसके कारण बताए गए, इसका सबको इनको लाभ हुआ है। धन्यवाद। ये हमारा आज का प्रोग्राम जो था वो सर्वाइकल कैंसर और PCPNDT एक्ट के संबंध में था। इसके संबंध में यहाँ नर्सिंग की जो छात्राएं हैं उनको विधिक रूप से जागरूक करना था कि वो अपने समाज में फैलते हुए सर्वाइकल कैंसर और PCPNDT एक्ट के प्रभाव को जाकर समाज में बताएं।